नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता का जवाब नहीं, कोरोना प्रबंधन में भी सामने आए गहलोत की दूरदर्शी और संवेदनशीलता। ग्रास रूट से टॉप तक पहुंचे गहलोत प्रशासन में लगाते हैं पूरा अनुभव। इसके अलावा उनका फीडबैक मैकेनिज्म भी बेहद गजब है। गांव गांव से मिलता है गहलोत को फीडबैक और उसी आधार पर दिए जाते नए निर्देश। कोरोना से मृतकों के अंतिम संस्कार मामले में भी गहलोत संवेदनशील नजर आए। गहलोत ने दिया ऐसे मृतकों का सम्मान से अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के निर्देश। साथ ही एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी वसूली पर भी रोक लगाई गई, इसके लिए बाकायदा दाम तय कर दिए गए। अब यूपी में कोरोना मृतकों के शव गंगा जी में बहाने के मामले में भी वो संवेदनशील नजर आए। देश भर में शवों की इस बेकदरी की चर्चा है तो गहलोत की दूरदर्शिता की भी मिसाल दी जा रही है। पहले ही हालात समझकर निर्देश दे दिए थे, इसलिए गहलोत को कहा जाता सीएम नंबर वन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेना चाहिए था गहलोत से सवाल। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में बोले जस्टिस गोविंद माथुर, कहा कि न्यायपालिका के सामने 70 के दशक जैसी चुनौतियां हैं, तब भी बहुमत वाली कार्यपालिका थी, आज भी है, लेकिन अधिकतर जज आज स्वतंत्र और दबाव में नहीं आने वाले। अल्पसंख्यक वर्ग के युवा को जज नहीं बनाने की मानसिकता मौजूद है। ये मानसिकता जजेस में नहीं बल्कि सरकार के स्तर पर ये मानसिकता गलत। पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई के राज्यसभा सांसद मनोनीत होने पर सीधे टिप्पणी से इनकार कर दिया। कहा कि मुझे सांसद बनना होता तो चुनाव लड़कर बनता, मनोनीत नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं गोविंद माथुर। पिछले महीने रिटायर होने के बाद जोधपुर में रह रहे हैं माथुर और उन्होंने यहां ये बेबाक टिप्पणी की। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बड़ी टिप्पणी, कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के एक वर्चुअल कार्यक्रम में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो बोले कि मैं जंगलराज जैसा टाइटल नहीं दूंगा, लेकिन हालात उससे कम नहीं। किसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देशद्रोह नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर और उन्होंने ये टिप्पणी देते हुए यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मैं जंगलराज वहां है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन हालात उससे बेहतर भी नहीं। और अब बात करते हैं प्रदेश में तौकाते तूफान के असर की। हाड़ोती, मेवाड़, वागड़ अंचल में तेज अंधड़ और बारिश का दौर चल रहा है। डूंगरपुर में अंधड़ से दर्जनों पेड़ गिर गए हैं, 3 छप्पर भी उड़ गए। सागवाड़ा के कई इलाकों में विद्युत पोल गिरने से बिजली गुल हो गई है। वहीं हाड़ोती अंचल में संभावित तूफान को लेकर आपात बैठकें बुलाई गई। अलर्ट के बाद कोटा में भामाशाह कृषि मंडी बंद रहेगी। 17 से 21 मई तक मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर तूकाते कहर बरपा रहा है, गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी अलर्ट किया गया है, महाराष्ट्र में भी अलर्ट किया गया। लेकिन हम बात करें पूर्वी से इतर हाड़ोती की, क्योंकि हाड़ोती के अंदर भी इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट प्रशासन ने भी 24 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट के लिए सर्कुलर जारी किए गए। इस अवधि की याचिका में 3 से 9 अगस्त तक एडजॉन किया गया है। 20 अप्रैल से जारी व्यवस्था को 24 मई तक बरकरार रखा गया है। लिमिटेशन की अवधि और सभी अंतरिम आदेशों को भी बढ़ाया गया है। केवल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई जारी रहेगी। रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेड़तवाल ने ये सर्कुलर जारी किया। भारत ने चीन से किया आग्रह, दवाओं के कच्चे माल की कीमतें स्थिर रखने का आग्रह किया है। कोविड की दवाओं का 70% कच्चा माल एपीआई का आयात होता चीन से। पिछले दिनों कुछ दवाओं के एपीआई के दाम बढ़े कई गुना तक। फार्मेसी एसोसिएशन ने भी सरकार से मांग की थी। भारत सरकार ने कार्गो की आवाजाही भी निर्बाध रखने की मांग की। चीन के विदेश विभाग ने अब कहा है कि वो आपूर्ति निर्बाध रखने पर काम कर रहा है और उसके साथ साथ दाम ना बढ़े इस पर भी काम किया जा रहा है।
और अब बात करते हैं आउटलुक में कांग्रेस नेता शशि थरूर के लेख की। कोविड से संक्रमित होने के बाद बिस्तर पर लेटे हुए लिखा और कहा कि मोदी सरकार का काम ठोस नहीं सिर्फ दिखावे पर जोर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। मार्च 2020 में अचानक लॉकडाउन से सभी हैरान हुए थे। अब राज्य सरकारों को बोझ डाल रही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास कोविड से निपटने की योजना नहीं है। वैक्सीनेशन में देर हो रही है और उससे भी ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। अब जनता में गुस्सा है। तानाशाही करती हुई सरकार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि शशि थरूर कोरोना से पीड़ित और ऐसे में भी वो बाकायदा अपनी बात कहते हुए सामने आए। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मोदी सरकार का काम ठोस नहीं सिर्फ दिखावे की तरफ जोर है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों की भी सरकार अनदेखी कर रही है, उनकी पालना नहीं कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि मार्च 2020 में अचानक लॉकडाउन लगाया गया था और उससे हर कोई परेशान था। अब राज्य सरकारों पर बोझ केंद्र सरकार डाल रही है कई तरीके से। मसलन अगर लॉकडाउन लगाना है तो राज्य सरकार फैसला ले अपने स्तर पर। वैक्सीन कंपनियों से खरीदने का बोझ भी राज्य सरकार पर है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास कोविड से निपटने की कोई योजना नहीं है। वैक्सीनेशन देर से और उसमें भी काफी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने अंकित किया कि जनता का गुस्सा अब केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है और सरकार तानाशाही करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यूपी की पंचायतों में भगवा पेच ढीला। दरअसल पंचायत और जिला परिषद चुनाव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चुनाव नतीजों से विपक्षी पार्टियों को मानो संजीवनी मिल गई। जिला परिषद की 3050 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 954 सीटें ही मिली। इस दौरान बनारस, अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री योगी का क्षेत्र है गोरखपुर, ऐसे में क्या इन क्षेत्रों में भी बीजेपी का जनाधार कम होता जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और बीजेपी के लिए चिंता भी, क्योंकि चुनाव आने हैं और इन चुनाव के अंदर अगर बीजेपी को जीतना है तो फिर इस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना होगा, जो मुमकिन है केंद्र के खिलाफ भी हो सकती है, किसान आंदोलन की वजह से भी हो सकती है और फिर योगी सरकार की तरफ से भी हो सकती है। और अब बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर के तांडव। अब ग्रामीण इलाकों में मौत का तांडव मचा रही है दूसरी लहर और इसलिए हमें सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार के हालात बेहद खराब हैं। चारों दिशाओं में फैलती दिख रही कोविड की दूसरी लहर। 5 से 11 मई के दौरान 528 जिलों में संक्रमण 10% से ज्यादा रहा। 13 राज्य ऐसे थे जहां एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा रहे। 6 राज्यों में एक्टिव केस 50,000 से 1 लाख के बीच में रहे। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड पॉजिटिविटी रेट 21%, जबकि देश के 42% जिलों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे कोविड के 48.5% मामले, लगभग 50% मामले। और इसलिए गांव को बचाना जरूरी, जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों के अंदर कोरोना फैल रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि वहां चिकित्सा सुविधाएं बेहतर नहीं है। लोग कोरोना के सिम्टम्स नहीं जानते, लगातार डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, ऐसे में वहां डेथ रेट बढ़ सकता है, पॉजिटिविटी रेट और ज्यादा हो सकता है, इसलिए गांव पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत। और अब बात करते हैं पिकनिक स्टेट यानी कि गोवा की। सवाल यह है कि वहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी से लगातार दम तोड़ रहे लोग। गोवा मेडिकल कॉलेज में शनिवार को 8 और मौतें हो गई, जबकि शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात 2 से सुबह 6 बजे के बीच ये मौतें हुई। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 8 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। अगर कुल बात की जाए गोवा मेडिकल कॉलेज में तो बीते 5 दिनों के अंदर 83 लोगों की जान गई। हालांकि गोवा सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होना कारण नहीं बताया। मरीजों की मौत का कारण बताया गंभीर कोरोना संक्रमण, लेकिन जिस तरीके से मौतें हो रही है वो यकीनन सवाल खड़े कर। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि अब असंतुष्टों की भी फेवरेट है।
बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से बदले तेवर, असंतुष्ट कांग्रेस नेता भी अब ममता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बात चाहे गुलाम नबी आजाद की हो, आनंद शर्मा की हो, कपिल सिब्बल की हो, इन्होंने ममता दीदी की जमकर तारीफ। अभी नेताओं की तारीफ के बाद लगाए जा रहे कयास, हाली तृणमूल कांग्रेस में यशवंत सिन्हा गए और यशवंत सिन्हा को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें। क्या असंतुष्ट कांग्रेस से भी कोई जुगाड़ लगा रहे हैं? लेकिन हाल ही में आजाद को कांग्रेस आलाकमान ने पूरी तरजीह दी। आजाद के नेतृत्व में हुआ कोविड रिलीफ टास्क फोर्स कमेटी का गठन, तो वहीं आजाद को कांग्रेस से वापस राज्यसभा भी भेजे जाने की अटकलें चल रही। और अब बात करते हैं आरयूएचएस अस्पताल, जहां तीन मरीजों की मौत से जुड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने क्लीन चिट दी। आरयूएचएस अस्पताल प्रशासन को दी इस पूरे मामले के अंदर क्लीन चिट। समिति में अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर पीएस लांबा, डॉक्टर पवन सिंघल, डॉक्टर वेदपाल सिंह और डॉक्टर हेमेंद्र भारद्वाज को शामिल किया गया। समिति की जांच में सामने आया कि मौत का कारण गंभीर बीमारी रहा। आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन का दबाव सामान्य था। इन मरीजों की मौत के वक्त 24 मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। आरयूएचएस में 200 मरीज वेंटिलेटर पर, 60 मरीज एचएफएनसी पर और 442 मरीज ऑक्सीजन लाइन पर। यदि ऑक्सीजन का दबाव कम होता तो सभी मरीजों पर इसका प्रभाव पड़ता। जिन तीन मरीजों की मौत हुई वो मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। चिकित्सक और स्टाफ उन्हें कई दिनों से बचाने की लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। एक मरीज के परिजन ने जब ऑक्सीजन सैचुरेशन में उतार चढ़ाव देखा तो वो घबरा गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मरीजों की गंभीर स्थिति देखते हुए वहां मौजूद स्टाफ और चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उनके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी उठ रहे हैं कई तरीके के सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इस लापरवाही के लिए जो रहे जिम्मेदार, उन्हें ही सौंप दी गई जांच की कमान। इसके साथ ही यदि ऑक्सीजन आपूर्ति में नहीं थी कोई दिक्कत, तो फिर आनंद फानन में सिलेंडर लेकर क्यों भागा स्टाफ और सिलेंडर के जरिए जान बचाने की कोशिश क्यों? हाथीगांव में कोविड 19 प्रोटोकॉल की अनदेखी की जा रही है। हाथीगांव में वर्तमान में 60 से ज्यादा हाथी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी हाथी की कोविड 19 जांच नहीं हुई। महावतों की कोरोना जांच में भी कोताही बरती जा रही है, जबकि रोजाना हाथी और महावत आते हैं एक दूसरे के संपर्क में। बड़ा सवाल यह कि जब शेर संक्रमित हो सकता है तो क्या हाथी संक्रमित नहीं हो सकता? यहां वन विभाग का रेंजर, फॉरेस्टर और वन संरक्षक सहित तीन का स्टाफ, चार होमगार्ड भी अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी पर आते हैं, तो फिर ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? कहीं ये लापरवाही महावतों या फिर हाथियों की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। और बात करते हैं गंगा किनारे शवों के बहने की इनसाइड स्टोरी। गंगा किनारे बसे लोगों ने दास्तान सुनाई। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके के गांव सरोसी में कोरोना का प्रकोप फैला और गांव के कुछ लोगों की इस दौरान मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने दहशत के चलते गंगा की रेती में ही अपनों को दफना दिया और कुछ शवों को विसर्जित किया गया गंगा मैया। महामारी फैलने के डर से तुरंत ग्रामीणों ने यह फैसला किया। ग्रामीणों के अनुसार कभी नहीं देखी उन्होंने ऐसी भयावहता। सरोसी के साथ आसपास के अन्य गांव के लोगों ने भी यही कदम उठाया। बाद आपका स्वागत है। 18 प्लस आयु वर्ग के वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर के अंदर अव्वल। 15 दिन में 7 लाख युवाओं को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। राजस्थान में अब तक लगे कुल 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन डोज। मंत्री रघु शर्मा ने इस सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजस्थान में शनिवार को 1,40,207 को वैक्सीन लगाई गई। इनमें 1,03,793 वैक्सीन 18 से 44 वर्ष के युवाओं को लगाई गई। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीन की कुल संख्या 7,24,570 पहुंच गई। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर
तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गत 4 माह से चल रहे वैक्सीनेशन के तहत अब तक 1.5 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कुल वैक्सीनेशन में राजस्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर और कुल वैक्सीनेशन में प्रदेश में अब तक 1,50,03,347 वैक्सीन लगाई जा चुकी। मुख्यमंत्री गहलोत की मोदी, राजनाथ और पीयूष गोयल से बात। आज फोन पर चर्चा की मुख्यमंत्री गहलोत ने। प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर पीएम मोदी से भी चर्चा। प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया गया गहलोत ने। संक्रमितों के आधार पर ऑक्सीजन की उपलब्धता की मांग भी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, मरीजों का इलाज किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इसे शीघ्र ही हल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश का ऑक्सीजन आवंटन केंद्र द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आग्रह किया और कहा कि पहले की तरह खाली ऑक्सीजन टैंकर्स जामनगर, हजीरा इत्यादि तक भेजने हेतु एयरफोर्स की सेवाओं को चालू रखा जाए ताकि समय बचे, जिंदगी को बचाना आसान हो जाए। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट की भी मांग की गई। इस दौरान कहा गया कि डीआरडीओ द्वारा लगाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट की संख्या भी 15 से बढ़ाकर सभी जिलों में स्थापित कर दी जाए, यानी कि 33 कम से कम डीआरडीओ की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाए। बच्चों के लिए करने होंगे अभी से पुख्ता इंतजाम। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ने की आशंका है। दूसरी लहर में कई मासूम बच्चों ने कोरोना को हरा दिया है। बच्चों के साथ माता पिता को रहना पड़ता है कोरोना पॉजिटिव की तरह। दूध में बच्चों की मां को भी आइसोलेट करना पड़ता है। बच्चों को खांसी जुकाम के लक्षण होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बच्चों को घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहना भी सिखाएं। इस दौरान हरी सब्जी, ताजा फल और पानी इत्यादि भी उचित मात्रा में बच्चों को देते रहें ताकि बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग हो और वो कोरोना से लड़ने में कारगर रहे। और अब बात करते हैं सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा की, जिसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कोरोना के चलते फिलहाल परीक्षा की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। सरकार इस पर 1 जून को फैसला लेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक अनिश्चितकाल तक हालात सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इससे बच्चों में हताशा बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। जुलाई तक परीक्षा हो या मूल्यांकन का फॉर्मूला बने ताकि बच्चों को परीक्षा के झंझट से दूर रख दिया जाए, कोरोना से बचा लिया जाए और उनके इस बढ़ते तनाव को भी कम कर दिया जाए। कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया को 70% वैक्सीन देने वाला भारत क्यों नहीं बना पा रहा पर्याप्त टीके, अपने आप में गंभीर सवाल है। क्योंकि गिनी चुनी कंपनियां ही वैक्सीन बना रही है, जबकि देश में 16 ऐसी कंपनियां हैं जो तत्काल वैक्सीन बनाना शुरू कर सकती है। केंद्र जरूरी अनुमति दे दे तो ये कंपनियां महीने में बना सकती हैं 25 करोड़ डोज। अभी सिर्फ 3 सरकारी कंपनियां हर महीने सिर्फ 8 करोड़ डोज बना रही है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक बहुत समय खराब कर चुकी है केंद्र सरकार और अभी भी अगर कठोर फैसला नहीं लिया गया तो स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। कोरोना विस्फोट के बीच अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। आरयूएचएस और एसएमएस में एक एक सांस के लिए संघर्ष चल रहा है। मरीजों को नहीं मिल पा रहे बेड। दोनों अस्पतालों में सभी 350 आईसीयू बेड फुल चल रहे हैं। सांसद विधायकों तक को आईसीयू बेड नहीं मिल रहे। वहीं जोधपुर में ग्लूकोज चढ़ाने के लिए स्टैंड नहीं है। परिजन हाथ में ही ड्रिप थामे हुए ग्लूकोज चढ़वाते नजर आते। कोटा में डेड बॉडी हटाने पर बेड की सफाई भी उन्हीं को करनी पड़ रही है जिनका रोगी उस बेड पर शिफ्ट हो रहा है। कोरोना से भारत बुरी तरह प्रभावित है। कोरोना की दूसरी लहर से भारत ही ज्यादा प्रभावित क्यों हुआ, ये सवाल है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है दूसरी लहर को गंभीरता से नहीं लेना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी में कोताही बरतना, वैक्सीन के विकास में भी ढिलाई बरतना।
जब दूसरे देश दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार करने में जुटे थे, उसी वक्त भारत मना रहा था कोरोना पर विजय पा लेने का जश्न, और इस वजह से दूसरी लहर का कहर देश के अंदर देखा गया।